वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ब्राउन कैप्ड। मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है? आज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी। तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मौसम हुआ है। तो ये देखिए बाहर कितना प्यारा मौसम हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। और खूब ही अच्छी प्यारी सी हवा चल रही है। और हमारी सोसाइटी में देखिए लोग बाहर टहल रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में मैं भी नीचे जाऊंगी। और सबसे पहले मैं चल रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, शाम का टाइम हो गया है। और मैं आप लोग के साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक पौधा लगाया था जेड प्लांट का, और इसको लगाए हुए 7 से 8 दिन हो गया है, तो ये अच्छी तरह से पकड़ लिया है। और ऊपर की जो 3-4 लीव हैं ये जो है नई आई हुई हैं, इसका मतलब कि बढ़िया से पकड़ लिया है। और ये प्लांट जो प्लांटर है वो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, शायद चुंबक से लिया था या किससे, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें मनी प्लांट लगाई थी, तो वो सूख गया था, तो फिर मैं बाद में इसमें जेड प्लांट लगाई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये रहा मेरा पौधा, इसको रख देते हैं और चलते हैं चाय बनाने किचन में। और कुछ ही दिनों में मेरा पेपर होने वाला है, तो डेट रिप्लेसमेंट TGT का जो लोग भी फॉर्म मतलब अप्लाई किए होंगे तो उसका भी डेट तो नहीं आया है, लेकिन हाँ पेपर होने वाला है, तो मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही थी। और साथ ही में KVS का भी कभी भी आ सकता है डेट, अभी फॉर्म तो नहीं आया लेकिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और कम से कम 4 से 5 महीने अगर हम अच्छे से नहीं जम के तैयारी करते हैं तो उसका कोई भी जो है रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आने वाला है। तो मैं अभी से स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ाई, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो मैं आज जो है लेके बैठी हुई थी अपनी सारी बुक्स, और RD शर्मा मैंने स्टार्ट किया लगाना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने 9th और 10th की मैं कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं 11th 12th भी लगाऊँगी। और इसके साथ ही मुझे MCQ भी मिला हुआ है, तो मैं इसको भी फिनिश करूँगी, और फिर प्रीवियस ईयर भी देखूँगी लगाऊँगी। और जो भी क्वेश्चंस उसके रहते हैं उसकी प्रैक्टिस करना है मुझे, तो ब्लॉग में बने रहिए। और जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे अपनी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और कम टाइम है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो चाय बना करके आप लोगों से मिलते हैं। और अभिनव गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, यहाँ पे ट्यूसडे को यहाँ पे पास में ही मार्केट लगती है हमारी सोसाइटी के बगल में, तो वहाँ पे सब्ज़ी बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती है, जो सब्ज़ी की मार्केट लगती है बेसिकली। और तो वो गए हुए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, वो आ जाते हैं तो फिर हम चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर आपको ब्लॉग में मिलते हैं हम। तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, कट गई है, और DG चल रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो लाइट नहीं रहती है तो उस गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जा रहा है, लेकिन अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये देखिए शाम का टाइम है, तो सब लोग बाहर टहल भी रहे हैं, और अभी नौ आ जाते हैं तो हम भी नीचे जाएंगे। और मैं यहाँ अपने बालकनी से खड़ी होकर देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू आता है बाहर का। मैंने गैस पे चाय बनने को रख दिया है, तो चाय थोड़ी देर में बन जाएगी। तो सबसे पहले पापा जी को चाय दे देंगे, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। Thank you.
तो यहाँ मैं चाय में डालने के लिए ले ले रही हूँ लौंग, और कुछ इलायची डालूँगी और अदरक डालूँगी। मैं हमेशा यही डाल के चाय बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो सबसे पहले इसको कूट लेंगे और उसके बाद इसको पानी में उखलाएँगे, और जब ये पक जाएगा तो फिर चाय पत्ती डालेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक और इलायची और लौंग को डाल दिया है कूट करके, और ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर चाय पत्ती डालूँगी। बढ़िया सी चाय बनाते हैं। यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और अब चलते हैं इसको छानेंगे। और सबसे पहले शुगर फ्री चाय जो है वो पापा जी को दे देंगे, उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे और हम लोग अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। और मैं स्टिल अभी अभिनव का वेट ही कर रही हूँ, और वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग चाय पियेंगे। और यहाँ पे मैंने पापा जी को चाय दे दिया है, और मेरा कुछ कुरियर आया हुआ था तो पापा जी उसको रिसीव कर रहे हैं, और मैं उसका पेमेंट कर देती हूँ। और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलिए अभिनव भी आ गए हैं और हम लोग अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्त और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।